कंसीडर क्या है, एटी स्क्वायर के बराबर है। तो ये क्वेश्चन रिलेशन दिया गया है, वेलोसिटी के लिए दिया गया है। ठीक, कहा गया आपको क्या डिस्टेंस फाइंड करना था, जिस कण का एक और दूसरे के बीच चले गए, एक सेकेंड और दो सेकेंड के बीच चले गए, एक सेकेंड और दो सेकेंड डिफरेंस देख सकेंगे, एक सेकेंड और दो सेकेंड, एक सेकेंड से चले गए दूरी होगी और दो सेकेंड से चले गए दूरी है वो पूछी गई, एक से दो नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन वही बन जाता है कि एक से दो सेकंड के बीच में चली गई दूरी तक वो क्या एक्स के बारे में सर्च करना पड़ता है, यहाँ एक सेकंड चली गई दूरी और दो सेकंड में चली गई दूरी। तो हमारा ये वी की वैल्यू दी गई है ना, अब वी बराबर डी एस अपॉन डी टी होता है, तो एस की वैल्यू हो जाएगा वी इंटू डी टी, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसे भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बेटा, तो एस की वैल्यू हो जाएगी वी इंटू कितना, डी एस की वैल्यू वी इंटू कितना डी टी के बराबर, तो कंडीशन क्या हो रहा है कि अगर आप देखो हिंदी का हिंदी में क्या भैया, एक सेकेंड और दो सेकेंड आप लिखे, एक सेकेंड और दो सेकंड वही कहते हैं, एक सेकेंड और दो सेकेंड उसमें लिखा हुआ आपने, अगर एक सेकेंड और दो सेकेंड बोलेगा, ठीक, जो क्वेश्चन होता है ऐसे को ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं एक से दो सेकंड के बीच दी जाती है, दो से चार सेकंड के बीच दी जाती है, बट आपने जो वैल्यू लिखा है एक सेकंड और डेढ़ सेकंड, एक बार आप इसको ले जीरो से लेके वन के बीच में, एक बार भी इंडिकेट करना है जीरो से लेके टू के बीच में, आंसर एक दिया है कि दो दिया है, दो दिया होगा तो दोनों अलग अलग होगा, मतलब एक सेकंड और दो सेकंड तो आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, और एक ही आंसर दिया गया होगा तो एक से लेके दो सेकंड के बीच दिया होगा, तो आंसर दो दिया है एक सेकंड में और दो सेकंड में, तब दोनों सही है, लेकिन अगर आंसर क्या दिया गया आपको एक ही दिया है तो एक से दो सेकंड तब जाएगा, दोनों क्वेश्चन बदले हैं। तो एक बार इसको रख लीजिए बेटा, ठीक, ये कंडीशन हो गया आपका, क्या इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, अभी कुछ बात कर लेते हैं, जो पावर आता है बेटा वो हमारा कहाँ चला जाता है, बाई में चला जाता है, तो हो जाएगा ये हो जाएगा एटी स्क्वायर बाई टू प्लस बी टी क्यू बाई कितना थ्री, लिमिट कहाँ से कहाँ चली है, जीरो से लेके वन तक, जब एक बार अपर लिमिट मानने लो लो में जीरो जीरो अगर मतलब नहीं है, यहाँ से करोगे तो एक इंटू टी की वैल्यू कितनी होगी, वन वन देगा वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, तो ए बाई कितना टू प्लस बी बाई थ्री, अगर ए कंडीशन हमारा हो गया एस वन के टर्म में, ठीक। अब ए और बी की वैल्यू कितनी दिया है, पार्शियल की वैल्यू नहीं दी है ना, a by 2 plus 7b by 3 कितना दिया जाएगा,
चलिए ये दूरी दी गई होगा, ठीक है, चलिए एक और दो सेकंड होगा तो लिमिट हमारा 1 to 2 होगा। अगर ये काम करते एक सेकंड में चली गई दूरी और दो सेकंड में चली गई दूरी, तो एक बार 0 से 1 लेते हैं, एक बार 0 से 2 लेते हैं, तब वो अलग हो जाता है। हो गया, चलिए एक घंटे के समय माइनस
इक्वल टू क्या है v। अब बोला क्या है हमें निकालना है v की वैल्यू जीरो करनी है। v की वैल्यू क्या, तो v की वैल्यू जीरो है। जब v की वैल्यू जीरो होगी तो 2t-4 ठीक, तो 2t इक्वल टू कितना 4, t की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकंड ठीक। वो हम लोग डायरेक्ट करके स्क्वायर इसको छोड़ दिया है प्लस v का होल स्क्वायर कंडीशन कर दी। तो इसको पहले आप इधर करके तब स्क्वायर करिए। जिस क्वांटिटी को निकालना है उसको एक साइड में करो और जिस पे रिलेशन निकालना है उसको दूसरे साइड में करके तब स्क्वायर करके तब निकालिए। तो दो साइड से स्क्वायर कर लेंगे तो ये तो कम आएगा और फिर उसको करके अपना सीधा हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बोल रहे हैं क्या समय संबंध को t इक्वल टू रूट x प्लस 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। t इक्वल टू रूट x प्लस 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है ठीक है। वह समय ज्ञात कीजिए जब वेग शून्य हो जाता है। वह समय ज्ञात कीजिए जब वेग शून्य हो जाता है। नोट कर लीजिए वह समय ज्ञात कीजिए जब वेग हमारा क्या हो जाता है शून्य हो जाता है। चलिए और तो किसी का बेटा अब किसी का है स्लोप ऑफ वेटिंग स्लोप
ब्लीडिंग ऑफ इनफेक्शन और क्या जो यहाँ पे एरिया कवर्ड ब्लीडिंग ग्राफ जो होगा वो प्रोवाइड करेगा आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस कंडीशन में ए पे जहाँ ब्लीडिंग ग्राफ दिख रहे हो एंड ऊपर एक स्लोप ऑफ ब्लीडिंग ग्राफ की एक्सीलरेशन, क्या स्लोप ऑफ ब्लीडिंग ग्राफ गिव्स क्या एक्सीलरेशन एंड एरिया कवर्ड बिटवीन ब्लीडिंग ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट एंड एरिया कवर्ड बीटी ग्राफ गिव्स क्या बेटा। अगर हम एरिया लेंगे, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर मतलब प्लस को प्लस में माइनस को माइनस में, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक। और टोटल एरिया लेंगे सर तो उस केस में आपको डिस्टेंस देता है, प्लस माइनस दोनों को जोड़ लिया जाए तो उस कंडीशन में वो क्या देगा आपको क्या प्रोवाइड करेगा वहां पर, ठीक है, डिस्टेंस को प्रोवाइड कर देगा, ठीक। और अगर आपका पॉजिटिव को प्लस में मान नेगेटिव को माइनस में लिया तो उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमारा हो रहा है बेटा देखो क्या सीटा, ये स्लोप आपका है, ठीक है, स्लोप की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब स्लोप कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, वेलोसिटी क्या करेगा बॉडी मूविंग विद क्या इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, विद कांस्टेंट या एक्सीलरेशन, इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी के अंदर बैठे रहना पड़ेगा। ऊपर लिख दे भैया बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी जो है आपका कैसा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, बॉडी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों होता है, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो वी की वैल्यू इंक्रीज है क्योंकि बी इंक्रीज करने दो कंडीशन हो सकता है, ए की वैल्यू भी आपका वेरिएबल हो तभी आप इंक्रीज करेगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे स्लोप जो कि कॉन्स्टेंट है, स्लोप की वैल्यू क्या है आपका हर पोजीशन कहीं भी आप देखेंगे तो स्लोप आपका कॉन्स्टेंट मिला, जब स्लोप कॉन्स्टेंट रहेगा तो उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी, जैसे वहाँ पर जब स्लोप कॉन्स्टेंट था तो हमारा क्या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट था, यहाँ स्लोप कॉन्स्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा, ठीक। तीसरा बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म में एक्सीलरेशन क्या होगा आपका पॉजिटिव में भी घटेगा बढ़ेगा क्या होगा बढ़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे बॉडी इज अंडर नॉन क्या इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या करेगा आल्सो इंक्रीज, क्यों इंक्रीज है क्योंकि स्लोप की वैल्यू बेटा बढ़ती जा रही है, स्लोप यहाँ इतना है इस पोजीशन पे लेकर तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी इतनी होगी, स्लोप आपका बढ़ रहा है स्लोप इंक्रीज है, और स्लोप अगर आपका इंक्रीज करता है बेटा इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसी है इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है एक्सीलरेशन दोनों, ठीक है। यहाँ पे वी की वैल्यू इंक्रीज है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है और कैसा कर रहा हूँ कॉन्स्टेंट नहीं है बल्कि वो भी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है।
वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि अभी इंक्रीजेस का मतलब डाउनवर्ड आ रहा है, उसके बाद इंक्रीज होगा। अभी जब तक ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, तब तक इंक्रीज ही करेगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। और एक्सीलरेशन प्लस की माइनस, एक्सीलरेशन प्लस की माइनस, यही वाला है माइनस का यहाँ सुना कई लोग कह रहे हैं। एक्सीलरेशन प्लस की माइनस, माइनस माइनस और लोग हम लोग माइनस वाले हैं सर, माइनस आपको नियम। अच्छा, क्या स्लोप नेगेटिव में है? यस, स्लोप नेगेटिव है। नेगेटिव का होता है जब एंगल कितना होता है? एंगल नाइनटी ज्यादा होगा क्या? एक्सीलरेशन आल्सो पॉजिटिव बट वैल्यू डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या लिखा था? एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजेस। जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा बेटा तो वेलोसिटी घटने लगेगी। अगर कोई ब्रेक मारोगे तो तभी वेलोसिटी बढ़ेगी क्या? कभी ऐसा गाड़ी चलाए तो ब्रेक मारने के बाद में स्पीड बढ़ती है, ठीक? उस कंडीशन में अगर आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो कभी भी एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक? एक्सीलरेशन की वैल्यू घट सकती है। मतलब जैसे मान लो पहले आपने 10 मीटर पर सेकंड स्टार्ट किया, एक्सीलरेशन से जा रहे थे, बाद में 5 जाने लगे, फिर 2 जाने लगे, बट अभी आप तो वो 0 हो, यानी 0 से 0 नहीं हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर कंडीशन होगा बॉडी इज अंडर डायनामिक फॉर्म मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है, बट क्या डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन घट रहा है लेकिन वो नेगेटिव अभी नहीं है, ठीक है? एक्सीलरेशन नेगेटिव तब होता है जब हमारा वीटी ग्राफ का स्लोप क्या हो, ठीक है, कितना बने 90 से ज्यादा, यानी नेगेटिव में आना शुरू हो जाता था, ठीक? अभी ये पॉजिटिव में ही, अब यहाँ पे स्लोप ज्यादा है। देखो अगर हम दिखाते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम को लेके, तो देखो यहाँ पे स्लोप की जो वैल्यू मिली हमें इतनी मिली, ये स्लोप है, और उतने ही टाइम के बाद अगर हम यहाँ दिखाते हैं तो स्लोप की वैल्यू घट गई। स्लोप क्या होता है? देखो थीटा यहाँ इतना है, यहाँ थीटा घटा, पर थीटा भी नेगेटिव भी नहीं हुआ, या जीरो जीरो हो जाता है, एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। लेकिन अब क्या यहाँ पे स्लोप कितना है? यहाँ पे क्या है स्लोप? जीरो है। तो स्लोप अगर आपका जीरो है तो एक्सीलरेशन मैंने कहा था जीरो है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, उसने कहा एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव और कांस्टेंट है, पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, यानी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है तो कांस्टेंट है, तो सही ले लेंगे, ठीक? यहाँ पे पॉजिटिव और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे होगा बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये एलकेजी क्लास में सबसे बोर्ड लगाए थे, तो यहाँ बैठे कौन दिखेगा? ऊपर हो जाता है। अरे यार इतना तो कम से कम पहुँचता ही यार, अब इतनी हाइट में इतना तो हुए जितने बड़े बोर्ड में मतलब इसमें पड़ता है आधा ऐसा छुट जाता है, उसकी हाइट बराबर थी वो कम से कम इतनी हाइट में थी, उसको सही था। देखो बॉडी के अंदर नॉन यूनिफॉर्म क्या क्या था? मोशन विद क्या था ना, विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी बट डिक्रीजिंग क्या? एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है बट डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। तो बी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे बेटा, मैथमेटिकली जब लिखेंगे बी इंक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, ए पॉजिटिव है बट क्या कर रहा आपका पॉजिटिव में डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में नहीं हुआ बेटा। ए नेगेटिव इस रिलेशन का क्या मतलब? लेकिन वो तो वही बताता है ना, प्लस माइनस जब जब तक वेलोसिटी को बढ़ाएगा तब तक एक्सीलरेशन को हम पॉजिटिव देते, जब वेलोसिटी को घटाने लगेगा तब एक्सीलरेशन को हम नेगेटिव देते हैं। तो घट रहा है, कहाँ वेलोसिटी घट रही है? वेलोसिटी एक्सीलरेशन की वैल्यू घट रही है,
जैसे कहते हैं आप सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पहले हम तेज एक्सीलेट करते हैं, तेज से हम स्पीड पर एक्सीलेट कर लेते हैं, तो अगर हमें आपको और स्पीड बढ़ाना होता तो हम धीरे धीरे एक्सीलेट करते हैं, तो एक्सीलेशन घट रहा है लेकिन आपने ब्रेक नहीं लगाया है, पीछे तरफ कोई फोर्स नहीं लगा रहा कि जो आपको वेलोसिटी को घटाए, अभी आप बढ़ा ही रहे हो, तो कंडीशन वही है। यहाँ से देखो जैसे वेलोसिटी है ना, ऊपर टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी बढ़ती गई, कहीं अभी घटी नहीं है, जब से उसे मालूम है यहाँ से अभी बढ़ाई गई, अगर ये ऐसे आ जाता अब डाउन जब आना शुरू होगा तब वेलोसिटी हमारी इस पॉइंट के बाद क्या होगी, घटनी शुरू हुई, तब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव है। अभी हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी का टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, बट जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी जो स्टार्टिंग में पहले था, क्योंकि स्लोप आपका आगे जाकर के घटता जा रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो घटती जा रही है। मुझे फिर से बताइए ज्यादा से कम जब स्पीड होती तब उसे मंदन बोलते हैं, स्पीड थोड़ी घट रही है, त्वरण घट रहा है, उसे मंदन नहीं कहते यार, जिसके कारण स्पीड घटने लगती है उसे मंदन कहते हैं। जब स्पीड घटना शुरू हो जाता है तब जो एक्सप्रेशन लगता है वो हमारा रिटार्डेशन यानी हिंदी मंदन है, अभी रिटार्डेशन है, अभी स्पीड को बढ़ा ही रहा है, लेकिन बढ़ाने की जो दर थी पहले तेजी से था, अब नेगेटिव भी धीरे धीरे, ठीक है, तो अभी भी वो क्या है एक्सीलरेशन फिर भी पॉजिटिव से देखा ना, देखो ए पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रहा है, मतलब ए की जो वैल्यू थी वो पहले की तुलना में अब क्या हो रही है, घटती जा रही है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ये हमारे क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाते हैं,
कराएंगे तो उसको बताएंगे क्वेश्चन के बीच में कि अगर ग्राफ हमारा नेगेटिव आ रहा है जैसे समथिंग दिस दिया गया आप क्या कंडीशन समझे भैया ये क्या सिचुएशन रिप्रेजेंट करेगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है या क्या है इस कंडीशन में वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है या कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन वेरिएबल है कांस्टेंट कांस्टेंट है बट नेगेटिव है ठीक अगर सुनो कांस्टेंट है चाहे वो मोर देन 90 हो चाहे 90 हो जो भी है ठीक है लेस देन 90 हो तो अगर आपका मोर देन 90 हो जाएगा तो आप बोलोगे एक्सीलरेशन नेगेटिव अगर क्या लेस देन 90 हो गया तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव 90 हो गया तो एक्सीलरेशन इनफाइनाइट ठीक तो उस कंडीशन में यहां पे जो केस आप ले रहे हो वैल्यू क्या आनी आपकी यहां पे स्लोप की वैल्यू का प्लॉट क्या करेंगे ये मिलेगा बेटा देखो मोर देन 90 मिला है मोर देन 90 है एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगा बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी और ए की वैल्यू नेगेटिव एट कांस्टेंट ठीक बॉडी इज अंडर बढ़ रही है कि घट रही है
निराश्रय की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, नेगेटिव बढ़ रही है। जैसे हमने क्या किया, अगर ऊपर वाला पॉजिटिव लेते उसको छोड़ दिया, अब कहाँ से हमें जब छोड़ा या किसी बाड़ी को प्ले कर तो हाइएस्ट पॉइंट पर निराश्रय जीरो, और जब लौटना शुरू होगा तो उसकी वैल्यू जैसे जैसे नीचे आता है उसकी वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। लेकिन साइन क्या है उसका, अपोजिट है तो नेगेटिव, क्या है नेगेटिव, ठीक है। और एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। अरे भाई सभी नेगेटिव एक्शन मिला रहा है, अगर जी ऊपर रखता तो वहीं से कहाँ पर जाता था उसको, ऊपर की तरफ जाता था, नीचे आ रहा है। तो कंडीशन आपका हो गया ए भी निगेटिव बी भी निगेटिव, बी इंक्रीजेस ठीक है बट निगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी था, अभी जब पहले बनाया तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग जीरो लेते थे बाकी में, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो यूनिफॉर्म बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज अगर हो रही है तो यूनिफॉर्म बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। जब खाली यूनिफॉर्म पे एक एक खराब पीटी बनता है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, सब खाली यूनिफॉर्म रहता है, बाकी सब क्या रहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन है। बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म, वैलोसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे बीटी ग्राफ का एरिया कवर डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे ही बीटी ग्राफ
अपना पेज है कवर जो होता है वो पैरास्टिक प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हमारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, अब आगे फिर देखा जाए। Yeah.
तो ये होगा एस ए माइनस एस ओ अपॉन टी ए माइनस टी ओ, यही हम आगे कह रहे बाकी ऐड करेंगे ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर बना दिया है, इनिशियल कितना था 0 अपॉन टी माइनस 0 दैट इज 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम आपको सेकंड में दिया गया है। जब हम लोग बी ए बी करोगे बेटा तो फाइनल फाइनल भी 100 है, जब पोजीशन दिखाएंगे तो इसको मिलाएंगे पोजीशन एक्सिस से, टाइम दिखाएंगे तो टाइम एक्सिस से मैच करेंगे। यहाँ पे पोजीशन पे कितना है 100, ए पे भी पोजीशन कितना है 100, टाइम कितना है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग 6 और इससे करस्पॉन्डिंग 2, दैट इज हो गया 0/4 दैट इज 0, ठीक है 0/4 क्लियर हो गई, 0 हो गई ठीक। ये कंडीशन आपका होता है यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा।
पूछा जाता है आपका टाइप वाला, तो यही पूछा जाता है बोले इसमें वैल्यू देखो 2 सेकंड पे वेलोसिटी आपकी ऐसे भी ये कर लो ये ठीक
यहाँ पर हमें टू देना पड़ेगा, चलो ये कर लेते फिगर पार्ट। ये वैल्यू हमारा कितना है 10, 10 माइनस जीरो अपॉन 2 माइनस जीरो दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब जीरो यानी 4 से 1 के बीच का होगा वही 0 टू 2 सेकेंड है, ए से बी के बीच में निकालोगे तो यहाँ तो पहला से भी 10 और ए से बी में राशि कितनी थी बेटा 10, 10 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। जब तक स्लोप की वैल्यू क्या होगी कॉन्स्टेंट मीटर आपका हो गया तो उस कंडीशन में 0 हो गया तो वैल्यू हमारे 0 मिल गई। तीसरा हो गया बी की ए किसके बी सी के बीच में, यहाँ पे आएगा बेटा कितना फाइनली 0 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 4 दैट इज आपका माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। और सी डी करेंगे ये सी डी की वैल्यू तो ये हो गया बेटा 0 तो कितना फाइनल कितना माइनस 10 माइनस 10 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 6 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक्सीलरेशन अलग अलग पॉइंट के बीच में हमने फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई। अब देखो जब जैसे अब ऐसे कर लेते आप कर लीजिएगा, जब टोटल हमने डिस्टेंस निकालेंगे ये ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल ट्रायंगल सारे का एरिया निकाल लीजिएगा जोड़ लीजिएगा डिस्टेंस, जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो जो हमारा क्या है पॉजिटिव एरिया है ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, ठीक ऊपर का एरिया में से नीचे वाले का एरिया माइनस करेंगे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और जब टोटल जोड़ देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। चलेंगे thank you.